हेलो स्टूडेंट, चिंतन सिकाई में आपका स्वागत है। जैसे कि आप पता है, आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें के सभी मैथ क्वेश्चन जो आए हुए हैं सभी हम वन बाय वन प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो आपको केवल इसके जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं तो उसके आपको जो वीडियो बना करके मैंने अपलोड किया है, तो उसको आपको देख करके उससे एक बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आरबी एनटीपीसी में कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता। तो चार ही क्वेश्चन जो टफ होते हैं, तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और वर्ल्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हम जो अलग अलग टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके अलावा भी हम आरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रहे हैं। क्योंकि वन बाय वन जैसे मैथ्स है, जीएस है, वन बाय वन हम क्वेश्चन सभी के क्वेश्चन जो आए हुए क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराते रहेंगे। तो अभी हम प्रीवियस ईयर पेपर जो आरआरबी एनटीपीसी में मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम पढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 399 है, उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। दो क्रमागत संख्या में क्या है, एक एक्स ले लें, एक एक्स प्लस टू ले लें। क्रमागत विषम संख्या तो x प्लस टू लेंगे, इस पर टू क्या है तो मल्टीपल 399 है। तो अगर हम इसको इस पर सॉल्व करें, जैसे x और x प्लस टू दोनों का मल्टीपल क्या होना चाहिए, 399 होना चाहिए। अगर एक यहाँ से 17 ले और यहाँ से क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो इसको देखें तो यूनिट डिजिट कितनी होगी, 63 होगी। लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगी, 3 आएगी, लेकिन ये 3 है नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा देखिए, यहाँ 99 करके ये 19 हो गया, ये कितना जो 21 और 21 और 19 वन जो 99 और 1 19 टू जो 38 और 39, तो क्या हो जाएगा, ये 399 हो जाएगा। x x प्लस टू इसका टू क्या होता है, 399। ये तो दे रखा है क्वेश्चन में कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल, क्रमागत विषम संख्या क्या, पहली x दूसरा x प्लस टू, विषम संख्या है इसलिए x x प्लस टू लेंगे। अगर इवन होती तो हम क्या लेते, एक x और एक x प्लस वन लेते। क्यों लेते, क्योंकि अगर x को हम अगर वन सपोज कर लें तो x प्लस वन होता तो टू हो जाता है, x प्लस टू है तो यहाँ थ्री हो जाएगा, इसलिए वन और थ्री क्या हुआ, ऑड नंबर हुआ, विषम संख्या हुई। और दोनों का मल्टीपल क्या है, 399 है। यहाँ हम अगर पुट करें इसी ऑप्शन से लेकर के, जो सेटिस्फाई कर देगा 399 बन जाए, वही क्या होगा, छोटी संख्या होगी, वही संख्या होगी। तो x की वैल्यू क्या है, अगर पुट करने पर 19 क्या होगी, छोटी संख्या होगी उसकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब्दुल ने 42 लीटर दवा तैयार की और उसे 280 मिलीलीटर लीटर की प्रत्येक बोतलों में भर दिया, कुल कितने बोतलों की संख्या की आवश्यकता होगी, कितने बोतलों की आवश्यकता होगी, कुल कितने बोतलों की आवश्यकता होगी। जैसे अब्दुल ने 42 लीटर दवा तैयार की, 42 लीटर कितने मिलीलीटर के बराबर होगा, 42 और है 280 मिलीलीटर की प्रत्येक बोतलों में भर दिया जाता है। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, उसके बाद 28 को इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 150, कितना हो जाएगा, 1500। ऑप्शन कौन सा होगा, कितने बोतलों की संख्या होगी, 1500 बोतलों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हल करें 12 माइनस 26 माइनस कर्ली ब्रैकेट 2 प्लस 5 इंटू 6 माइनस 3, इसको सॉल्व करेंगे 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 क्या आएगा, 3 आएगा, 3 5 जाए 15, 6 5 ये कितना आएगा, 3, 3 इंटू 5 कितना जाए 15, और 15 और 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 17, और 26 में से 17 माइनस कर दें कितना हो जाएगा, 9, और 12 में से 9 माइनस कर दें कितना हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पहले इसको दोनों सॉल्व करें, 3 आ जाएगा, फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर 2 ऐड कर दें 17 हो जाएगा, और 26 माइनस 17 कितना हो जाएगा, 9, और 12 में से 9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि x प्लस एक्स स्क्वायर टू सेवन माइनस फोर रूट थ्री है तो रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स का मान ज्ञात करें, तो एक्स इक्वल टू क्या है सेवन माइनस फोर रूट थ्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू फोर माइनस फोर रूट थ्री प्लस थ्री, इसको क्या लिख सकते हैं टू का स्क्वायर माइनस फोर रूट थ्री प्लस रूट थ्री का स्क्वायर, तो क्या जाएगा टू माइनस रूट थ्री का फोर स्क्वायर। अब यहां अगर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा टू माइनस फोर रूट थ्री टू माइनस रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू माइनस रूट थ्री, टू माइनस रूट थ्री का और स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू माइनस रूट थ्री, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा टू टू जा फोर और थ्री सेवन एंड वन एट, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा टू आएगा प्लस थ्री आएगा और माइनस फोर रूट थ्री आएगा प्लस वन, तो कितना हो जाएगा ये फोर हो गया, तो फोर और थ्री सेवन और वन एट, एट प्लस फोर रूट थ्री और टू माइनस रूट थ्री, इसमें हो जाएगा फोर कॉमन लेंगे तो क्या टू प्लस टू माइनस रूट थ्री, इसलिए टू माइनस रूट थ्री नीचे कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी से होगा बी आएगा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इज टू थर्टी एट क्वेश्चन थ्री इंटू फिफ्टी सेवन, इसमें प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम, थर्टी एट इंटू थ्री और एन इंटू फिफ्टी सेवन कितना जाएगा थ्री थर्टी एट इंटू थ्री, थर्टी एट इंटू थ्री अपॉन फिफ्टी सेवन नाइनटीन और नाइनटी टू जो थर्टी एट क्या आ जाएगा टू आ जाएगा आंसर, एन इक्वल टू क्या होगा टू, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तार आयत के आकार का है, किसके आकार का है आयत के आकार का, वायर है एक आयत के आकार का है, अब इसमें इसी तार को जिसकी लंबाई क्या है 42.7 क्या हो जाएगा लंबाई और 21.8 चौड़ाई, तार को एक वर्ग के आकार में फिर से मोड़ा जाता है, वर्ग के आकार फिर से मोड़ा जाता है कि तो वर्ग की भुजा का माप ज्ञात करें, तो पहले हम किसका निकालें 21.8 और 42.7, यदि इसी तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ जाए वर्ग के आकार में मोड़ जाए तार की तो वर्ग की भुजा का माप कितना होगा, तो पहली बात तो इसका मीटर निकालना पड़ेगा, पहले मीटर निकालना पड़ेगा टू इंटू सिक्सटी फोर पॉइंट फाइव क्या जाएगा 64.5 क्या आएगा पेरीमीटर, किसका पेरीमीटर आएगा इस रेक्टेंगल का, इसको मल्टीप्लाई कर दे कितना हो जाएगा 129 हो गया, अब 129 हो गया इसी इतने बार इतनी लंबाई वायर के यहां से लेकर पूरे वायर का कितना का 129 मीटर स्क्वायर, मीटर हो जाएगा स्क्वायर नहीं होगा, अब 129 इतनी वायर की लेंथ है, अब इसमें को जो है वर्ग के फॉर्म में चेंज करना है, वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात करके चार से डिवाइड करते हैं 32.25 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा प्लस वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखें साइन थीटा वन प्लस कॉस थीटा, इसको ले लें इसमें एलसीएम साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा और इसका क्या हो जाएगा साइन थीटा कैंसिल कर देंगे क्या हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा साइन वन प्लस कॉस थीटा, अब इसमें जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इन दोनों में ऊपर जो है क्या हो जाएगा
वन हो जाएगा, वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, टू प्लस टू कॉस थीटा अपॉन साइन वन प्लस कॉस थीटा। अब इसमें से अगर टू कॉमन ले ऊपर से तो क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस थीटा, और नीचे से क्या हो जाएगा, साइन थीटा वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा कैंसिल कर दे, क्या हो जाएगा, टू अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या था इसमें, साइन थीटा वन प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा कैल्सियम ले लिया, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पता है वन होता है, तो वन ये और ये वन के मिलकर कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, और प्लस टू कॉस थीटा पहले से अपन साइन वन प्लस कॉस थीटा दोनों में कॉमन ले लें टू, तो क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, साइन थीटा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ओके ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, 5000 रुपए पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए दिए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। तो डी इक्वल टू ऊपर रफ कर दें, डी इक्वल टू पी आर अपॉन 100 स्क्वायर, 5000 इंटू 500, 5000 इंटू 8 अपॉन 100 इंटू 8 अपॉन 100, जाएगा 320। छह बड़े 16 दिनों में 96 खिड़कियां बनाते हैं, 8 बड़े 4 दिनों तक काम करते हैं, तो वे कितनी खिड़कियां बनाएंगे। छह बड़े 16 दिन काम करते हैं और कितनी खिड़कियां बनाते हैं, 96 खिड़की बनाते हैं। 8 बड़े 66 x इक्वल टू 32। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साढ़े 4 मीटर कपड़े का मूल 60 होल 3/4 है, तो प्रति मीटर मूल्य याद करें, प्रति मीटर मूल, 4.5 मीटर कपड़े का मूल है 60.314, डिवाइड कर दें किसको, 60.34 डिवाइड बाय 243/4 इंटू 9/2 क्या हो जाएगा, क्या डिवाइड करना होगा, क्योंकि क्या निकालना है आपको, 4.5 मीटर कपड़े का मूल 60 होल 3/4 है, प्रति मीटर मूल क्या क्या, प्रति मीटर मूल डिवाइड करना पड़ेगा, 4.5 मीटर है तो कितना हो जाएगा, 9/2 है अभी, इंटू 60 होल 3/4 60 होल 3/4 डिवाइड बाय 9/2 4 2 8 और सॉरी 4 हो जाएगा 243 प्लस 18
13.5, तो क्या आ जाएगा 13.5 में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 13/1/2। ओके कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 13/1/2। ओके ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चन थे, 1000 क्वेश्चन टॉप 1000 क्वेश्चन में से, तो इसको आपको प्रैक्टिस करना, इसको आपको जो है प्रैक्टिस करना है, इससे ज्यादा से ज्यादा की स्पीड जो है बढ़ सके, जिससे कि एग्जामिनेशन में कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सके। ओके तब तक हमारे वीडियो को जितने वीडियो हैं सब आप एक बार रिवाइज करते रहें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।